नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान। आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ से खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। कार्बी अंग स्वशासित परिषद चुनाव समाप्त हो गया। कुछ एक वोट ग्रहण केंद्रों में घटनाओं को छोड़ प्राय सभी जगहों पर मतदान रहा शांतिपूर्ण। कार्बी अंग स्वशासित परिषद के चुनाव का हुआ समापन। 26 परिषदीय सीटों में चुनाव संपन्न होने के साथ साथ महीने भर चले राजनीतिक उत्सव का भी समापन हो गया। अब 12 जून को पता चलेगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया और किसके वादों इरादों को जनता जनार्दन की अदालत ने नकार दिया है। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि परिषद में एक बार फिर से गेरुआ दल का राज होगा। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की बात कर रही है। इधर एएसडीसी और सीपीआईएमएल पहाड़ी जिले में अपनी खोई हुई राजनीतिक पृष्ठभूमि को दोबारा जागृत कर सत्ताधीन होने की बात कर रही है, तो वही एपीएचएलसी इस बार करीबन 18 सीट जीतकर परिषद के राजनीति में चौंकाने वाले रिजल्ट की बात कर रही है। लेकिन इन सब के बीच इस बार आम आदमी पार्टी को जनता ने अनाकांक्षित आशीर्वाद दिया है। अगर पूल परसेंटेज की बात करें तो हर समस्ति में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हर समस्ती का वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो द्वार अमला में 71.56%, आमरी में 82.38%, चिंगथंग में 74.51%, सोचेंग में 78.35%, रोंगथंग में 77.22%, बिथुंग रेंगथेमा में 84.90%, कपिली में 75.59%, हामरेन में 79.13%, आमरेंग में 68%, हावड़ाघाट में 77%, लांगफेर में 76%, फुलनी में 78%, लांगिन में 79%, गौरकांटी में 77%, महामाया में 80%, नमाटी 78%, लुम्बाजांग 68%, धनसरी 77%, सिंहासन 84%, सोचेंग ढेंटा 80%, बौरजांग 74%, सरूपधार 83%, बोकाजन 73%, देवपारी 75%, नीली 78% और द्वार बागरी 81% वोटिंग हुई है। वहीं एक नंबर द्वार आमला परिषदीय समस्ती के 2 वोट ग्रहण केंद्र में फिर से चुनाव 10 जून को कराए जाएंगे। 16 नंबर पुंजा एमई स्कूल और 17 नंबर पुंजा एलपी स्कूल में चुनावी उत्तप्त परिस्थिति के वजह से फिर से चुनाव कराए जाएंगे। अब इंतजार 12 जून का है, जब बैलेट बॉक्स से मतों को निकालकर गिनती शुरू होगी और पता चलेगा कि किसका भाग्य उदय होगा और किसका अस्त। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज 12 के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।